Hello students, welcome to Digimento Education. Earlier, in our earlier videos of prepositions, we did different kinds of prepositions like preposition of time, preposition of place, preposition of position. Preposition, आज जो हम करने वाले हैं उसी सीरीज में आगे वो है हमारा preposition of movement or direction. सो इस प्रपोजिशन में हम बात करने वाले हैं उन प्रपोजिशंस की जो कि किसी तरह की मूवमेंट दिखाने का काम करते हैं या किसी तरह की डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन विच इज़ प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन. द फर्स्ट प्रपोजिशन इन दिस कैटेगरी इज़ इनटू. इनटू एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसे हम यूज़ करते हैं मूवमेंट दिखाने के लिए. हिंदी में इसे मैं ही कहते हैं. जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ कि मैं कमरे में बैठी थी तो मेरा भाई कमरे में आया. तो यहाँ पर अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कई लोग इसे गलती करते हैं कि आई वॉज सिटिंग इन द रूम व्हेन माई ब्रदर केम इन द रूम. बट एक्चुअली ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है. यहाँ पर क्या गलती है अभी आप आगे देखेंगे. यहाँ पे आपको एक्चुअली सेकेंड पार्ट में प्रपोजिशन इनटू यूज़ करना चाहिए था. हिंदी में इनटू इज़ में, लेकिन इसका यूजेज कैसे डिफरेंट है वो हम आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रपोजिशन इनटू, इट इज़ यूज टू शो द मूवमेंट ऑफ समथिंग और समवन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ समथिंग. यानी कि जब हम किसी चीज़ के, मान लीजिए ये कोई चीज़ है, इसके बाहर से, मान लीजिए कोई आदमी है, इसके बाहर से जब हम इसके अंदर आने की मूवमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन टू. राइट, लाइक शैल वी गेट इन टू द गार्डन. क्या हम गार्डन के अंदर चले, क्या हम अंदर गार्डन के चले. राइट, इस समय आप कहाँ हैं, गार्डन के बाहर हैं. राइट, तो जैसा मैंने कहा कि इट इज़ यूज टू शो द मूवमेंट ऑफ समथिंग और समवन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ समथिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, जब बाहर से किसी चीज़ के अंदर हम जाने की बात करते हैं उसके लिए हम हमेशा इनटू यूज़ करते हैं. जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेंटेंस दिया था, मैं कमरे में बैठी थी जब मेरा भाई कमरे में आया, तो इसका क्या होगा, आई वॉज इन माई रूम या आई वॉज सिटिंग इन माई रूम, आप कुछ भी बोल सकते हैं. मैं कमरे में थी, आई वॉज इन माई रूम जब, जब मीन्स वैन, मेरा भाई, माई ब्रदर कमरे में आया, केम इन टू द रूम. राइट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इन ये है, मैं कमरे में थी जब मेरा भाई कमरे में आया. अब भाई क्या है, अब मान लीजिए ये कमरा है, मैं ऑलरेडी कमरे के अंदर हूँ, मेरा भाई कमरे के बाहर है, वो कमरे के बाहर से कमरे के अंदर आया. राइट, मैं तो अंदर थी तो वो इन हो गया, जो हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में देखा था, पोजिशन में देखा था. लेकिन मेरा भाई जो है वो कमरे के बाहर से अंदर आया, सो माई ब्रदर केम इन टू द रूम. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, शेल वी गेट इन टू द गार्डन, क्या हम गार्डन के अंदर जा सकते हैं. शेल वी गेट इन टू द गार्डन, इन टू, राइट, गार्डन के बाहर से गार्डन के अंदर. लेट्स लुक इन टू अदर एग्जाम्पल्स लाइक प्लीज पोर सम टी इन टू माई कप. अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा कप है और इसके अंदर चाय मान लीजिए नहीं है, और इस समय ये चाय कहाँ से आ रही है, कप के बाहर से कप के अंदर आ रही है. राइट, सो प्लीज पोर सम टी इन टू माई कप. अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, कई लोग बोलते हैं प्लीज पोर सम टी इन माई कप. देखिए, अगर कप के अंदर ऑलरेडी चाय है तो आप इन माई कप कहेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप फिर उसके लिए इन टू करेंगे, अगर चाय बाहर से अंदर आ रही है. मान लीजिए ये आपका ग्लास है, मेरा ग्लास है, यहाँ खाली पड़ा है, पानी जरा सा ही है, और आप यहाँ से जा रहे हैं, तो मैंने कहा अरे यार मेरे ग्लास में पानी डाल दो, सो प्लीज़ पोर सम वाटर
into my glass, क्योंकि पानी जो है वो glass में तो नहीं है, glass के बाहर से glass के अंदर आ रहा है, so it is into, right? There is another example. See the boy here. The boy jumped into the river. अब ये जो लड़का है, इसने क्या करा? इसने नदी के अंदर jump कर दिया. He jumped into the river. अब वो नदी के अंदर नहीं है, वो नदी के बाहर है. बाहर से अंदर जा रहा है. So the boy jumped into the river. So into हमेशा हम उस movement के लिए इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है, बेशक वो मोमेंट एक सेकेंड की हो. जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे भाई को कमरे के बाहर से अंदर आने में कितना वक्त लगेगा? एक सेकेंड. जब वो एक कदम अंदर रखेगा दरवाजे के और वो अंदर आ जाएगा, राइट? सो दैट मोमेंट कैन बी इवन ऑफ वन स्मॉल लिटिल सेकेंड, टेट्रा सेकेंड, लेकिन उसके लिए हम हमेशा उसको इंटू. अब आप चाय डाल रहे हैं तो हो सकता है चाय डालने में 2-4 सेकेंड्स लग जाए आपको, लेकिन जंप करने में या पाँव अंदर रखने में शायद 1 सेकेंड लगेगा. सो दैट इज योर इनटू. द नेक्स्ट प्रपोजिशन दैट वी हैव इज इन. हमने देखा था लास्ट टाइम इन जो है वो पोजीशन बताने के लिए आता है, आई एम इन द रूम, जैसा भी हमने सेंटेंस देखा. या इन हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, लाइक योर प्लेस, बिगर प्लेस इन कंपैरिजन, कोई भी जगह. तो लेकिन इन जो है वो मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है. कैसे? चलिए देखते हैं. The first we have is in, which is used to express movement towards the inside of a container, place or an area. जब भी आप किसी movement की बात करते हैं towards, अंदर आने के लिए, कहाँ पे? किसी container के अंदर, किसी place के अंदर या किसी area के अंदर. Like, can you put the milk इन द फ्रिज? अब फ्रिज क्या है? बंद है, राइट? इसके अंदर रखना है. इन टू द फ्रिज नहीं बोलेंगे. कैन यू पुट द मिल्क इन द फ्रिज? इन द फ्रिज, राइट? देन द नेक्स्ट वी हैव इज अनदर एग्जाम्पल. चलिए देखते हैं. Another example that we have is I will put the letter in my bag. मैं ये जो letter है इसे मैं अपने bag में रखूँगी. और let me put the letter in my bag. मुझे इसे अपने bag में रखने दीजिए. The farmer fired few shots in the air. Right? अब farmer ने कुछ shots fire किए कहाँ? हवा में. अब आप कहेंगे हवा में, तो यहाँ है हवा तो चारों तरफ है, लेकिन यहाँ पर एयर में किए. शायद उसे कुछ बर्ड्स दिख रहे थे या कुछ था जिनको शॉट करने के लिए उसने उन शॉट्स को यूज़ किया. सो द फार्मर फायर्ड फ्यू शॉट्स इन द एयर. सो द नेक्स्ट प्रपोजिशन वी हैव इज एट. एट, एट जो है वो भी हमारा डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज़ होता है. कैसे? चलिए देखते हैं. इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ हिटिंग समथिंग और लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, राइट? जब आप किसी चीज को हिट करने की बात करते हैं तो भी हम एट यूज करते हैं, या आप किसी डायरेक्शन में देखने की बात करते हैं किसी चीज को, किसी इंसान को, तो उसके लिए भी हम एट यूज करते हैं. जैसे दे थ्रू फ्लावर्स एट द कपल. उन्होंने, देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, सब लोग फूल फेंक रहे हैं किस पर? कपल्स, कपल के डायरेक्शन में. अब यहाँ पर एग्जैक्टली देखो, अगर मैं कहूँ ये मान लीजिए पीछे कोई है वो फेंक रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कपल के एग्जैक्ट ऊपर ही जाएं, लेकिन वो उस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं जहाँ पर कपल है. सो दे थ्रू फ्लावर्स एट द कपल. इसलिए हमने कहा डायरेक्शन ऑफ हिटिंग समथिंग, राइट?
या डायरेक्शन ऑफ. अब ये फूल फेंक के नहीं मार रहे हैं बट उनकी तरफ थ्रो कर रहे हैं, राइट. सो दे थ्रू फ्लावर्स एट द कपल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर सेज लुक एट द बॉय He is the captain of our team. उस लड़के की तरफ देखो, वो हमारी टीम का कैप्टन है, राइट. सो यहाँ पर अगर कहते हैं हम लुक एट द बॉय, तो सब लोग कहाँ देखेंगे? उसी डायरेक्शन में देखेंगे जहाँ वो लड़का है. या मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ लुक एट मी, सो आप लोग सब कहाँ देखेंगे? वहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, चाहे वो आपके पीछे हो, आपके आगे हो, आपके राइट हो या आपके लेफ्ट में हो, राइट. सो एट को हम डायरेक्शन में, किसी एक खास डायरेक्शन में देखने के लिए भी यूज करते हैं. नाउ अनदर एग्जाम्पल हेयर इज द हीवर्स थ्रू स्टोन्स एट द सिक्योरिटी पर्सनल. हीवर्स क्या होते हैं? जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसे हम हिंदी में पत्थरबाज बोलते हैं, उनके लिए वर्ड्स है हमारा हीवर्स. सो द हीवर्स थ्रू स्टोन्स एट द सिक्योरिटी पर्सनल. अब यहाँ पर आया इन द डायरेक्शन ऑफ हिटिंग समवन. अब वो ऐसे कोई मजाक मजाक में तो नहीं फेंकेंगे ना पत्थर, हिट करने के लिए फेंक रहे हैं. सो द हीवर्स थ्रू स्टोन्स एट द सिक्योरिटी पर्सनल, राइट. सो दैट मीन्स दे थ्रू द स्टोन्स टू हिट द सिक्योरिटी पर्सनल. आजकल ये आपने देखा होगा, बहुत कॉमन सीन है हमारे कश्मीर में, व्हिच इज हैपनिंग. The next preposition which shows your direction is to. Right. So, देखते हैं to को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे. The first of all, to you can say is used to show the place of going or coming. जब भी हम कहीं जाने या आने की जगह के बारे में आपको बताते हैं, तो उस केस में हम हमेशा यूज़ क्या करते हैं? टू, राइट. तो आप एक एग्जैक्ट जगह बताते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, या मेरा दोस्त मेरे घर आ रहा है. कमिंग या गोइंग की बात करते हैं विद एग्जैक्ट लोकेशन, तो हम उसके लिए टू लगाते हैं. लाइक I went to Budapest for my vacations last year. पिछले साल मैं अपनी vacations में, summer vacations में कहाँ गई थी? I went to Budapest, right? Budapest क्या है? एक जगह का नाम है, right? So I went to Budapest for my vacations last year. The next example says that why you did not go to school. The next example says why you did not go to school today. आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, right? Why you did not go to school today. आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए. और tonight my friend will come to my place. आज रात को मेरी जो सहेली है, right, वो मेरे घर आएगी. This is me, this is my friend. So आज मेरी जो friend है वो मेरे घर आएगी. Tonight my friend will come to my Then to is also used जब हम बात करते हैं to go to bed, जब हम बिस्तर पे जाने की बात करते हैं, तो उसके लिए भी हम to को यूज करते हैं. जैसे what time do you go to bed, आप कितने बजे. अब मैं ये भी बोल सकती हूँ what time do you sleep, right? लेकिन जब हम go bed की बात करते हैं, sleep में bed नहीं आ रहा, तो that is what time do you sleep. लेकिन जब हम bed के साथ यूज करते हैं, तो हम उसके साथ हमेशा टू लगाते हैं. What time do you go to bed? Right? एक अगर आप फॉरेन की बात करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की बात करते हैं, तो यूजुअली वो ये नहीं कहते आप कितने बजे सोते हो, right? हिंदी में तो सोते ही हो, लेकिन बट इंग्लिश में वो ये नहीं कहेंगे what time do you sleep.
वो हमेशा यही कहेंगे व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, राइट? सो अगर मैं आपसे कहती हूँ व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, तो आप क्या कहेंगे? आई गो टू बेड एट, फिर आप जो भी आपका वक्त है वो आप बता सकते हैं. लाइक आई गो टू बेड एट 10, आई गो टू बेड एट 11, आई गो टू बेड एट 12 PM, 12 AM, व्हाटएवर योर टाइम इज, राइट? Then it is like same thing, another example. She usually goes to bed at 1 AM. Yeah, 1 o'clock bhi bol sakte hain aap, 1 o'clock at night. Kyunki 1 o'clock ke sath aapko night likhna padega, kyunki ek to din ke 1 baje bhi ho sakta hai. So she usually goes to bed at 1 AM or 1 o'clock at night. Wo raat ko 1 baje soti hai aksar, right? Usually means aksar. वो अक्सर रात को 1 बजे सोती है. येस्टरडे आई वेंट फॉर अ पार्टी सो आई वेंट टू बेड अ बिट लेट. कल रात को मैं एक पार्टी में गई थी या गया था, और इसलिए मैं बेड में जाने के लिए, यानी कि मैं सोने में लेट हो गई, राइट? येस्टरडे आई वेंट फॉर अ पार्टी सो आई वेंट टू बेड एट बेड अ बिट लेट. And but she usually goes to bed at 1 AM. Let's say that usually I go to bed at 11 PM, but yesterday I got late, so I went to bed at 1 o'clock, 1 AM, or 1 o'clock at night. जो आपको comfortable हो आप इस हिसाब से उसे use कर सकते. Then another preposition which shows your movement is from. From भी आपको एक movement दिखाता है. चलिए देखें कैसे. From is used to show a sense of departure. In the sense of departure, जब आप किसी तरह के departure की बात करते हैं उसके लिए हम for लगाते हैं, from को use करते हैं. जैसे he just left from here, वो अभी अभी just अभी अभी यहाँ से गया है. He just left from here, तो यहाँ से वो कहीं और के लिए गया है. It is used in the sense of departure, right? Then we have is another example. My sister has already gone from home. मेरी जो बहन है वो ऑलरेडी घर से जा चुकी है. माई सिस्टर हैज़ ऑलरेडी गॉन फ्रॉम होम, यानी कि घर से वो निकल चुकी है. आई विल गो टू द एयरपोर्ट फ्रॉम माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस से एयरपोर्ट जाऊँगा, राइट? सो ऑफिस एयरपोर्ट कहाँ से जाऊँगा? अपने ऑफिस से. तो ये जाने की मुझे एक मूवमेंट दिखाना. The next preposition we have is for. For is used. For is used in the sense of start of a movement to a certain place or destination. जब आप किसी एक खास destination, एक certain place के लिए अपनी movement शुरू करते हैं, right? किसी खास डेस्टिनेशन या प्लेस के लिए, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं. लाइक माय फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस. अब मेरे फादर ने ऑफिस के लिए शुरू किया, राइट? कहाँ से शुरू किया? घर से शुरू किया. सो माय फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस. The singer leaves for the international competition. ये जो singer है ये international competition के लिए जा चुका है, चला गया है, right? Leaves for or has left for international competition. वो international competition के लिए जा रहा है. I am leaving for London tomorrow. मैं कल London के लिए जा रही हूँ. कल मैं लंदन जा रही हूँ. आई एम लीविंग फॉर लंदन
tomorrow. तो ये मेरे जाने की बता रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, किस डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ, किस सर्टन जगह पर जा रही हूँ. देखिए यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है, लंदन एक जगह का नाम है, तो ये डेस्टिनेशन हो गया. लेकिन अगर मैं कहूँ एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, ये कोई जगह का नाम नहीं है, लेकिन एक सर्टन प्लेस है, कोई ख़ास जगह है जहाँ पर ये कॉम्पिटिशन होगा, तो ऑब्वियसली मैं उस खास जगह पर जा रही. The next a preposition that we have is over. Over. So, देखें कैसे इस्तेमाल करते हैं हम over को. Let's look into that. Over is used to show across from one side to another. Same चीज हमें across पे दिखाता है, यानी कि across और over दोनों in case of movement from one side टू अनदर दिखाते हैं, वो हम अक्रॉस को आके करेंगे. सो ओवर इज यूज टू शो अक्रॉस, दैट इज यू नो मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर. आई वॉक्ड ओवर द ब्रिज, यानी कि आपने ब्रिज के एक तरफ से आपने ब्रिज के दूसरी तरफ तक वॉक किया, मीन्स फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. सो आई वॉक्ड ओवर द ब्रिज. सो ओवर क्या दिखाता है, you know, shows something across from one side to another. चलिए और examples देखते हैं इसके. Seeing the cops following, the pickpocket jumped over the wall. अब देखिए ये एक दीवार है, ये पिक पॉकेट है, यहाँ से पुलिस को देखा आते हुए वो वॉल के दूसरी तरफ कूद गया. राइट, सो दैट मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर. सीइंग द कॉप फॉलोइंग द पिक पॉकेट, पिक पॉकेट मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पॉकेट मार, राइट. सो द पिक पॉकेट जंप्ड ओवर द वॉल, ओवर. राइट, विराट कोहली हिट द बॉल ओवर द बैक बॉलर्स हेड फॉर अ सिक्स. आपने देखा होगा जैसे अगर बैट्समैन ने बॉल मारा, इफ दिस इज अ बैट्समैन एंड दिस इज अ बॉलर, कई बार हम देखते हैं बैट्समैन सीधा उसके सर के ऊपर से, यानी कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ. सो विराट कोहली हिट द बॉल ओवर द बॉलर्स हेड फॉर अ सिक्स. द नेक्स्ट प्रीपोजिशन वी हैव इज अक्रॉस. जैसा मैंने अभी आपसे बात कहा था कि ओवर एंड अक्रॉस कई बार एक चीज दिखाने का काम करते हैं, तो चलिए देखें अक्रॉस हमें क्या दिखाता है. अक्रॉस इज यूज्ड टू शो ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग और फ्रॉम वन साइड टू अदर ऑफ समथिंग व्हिच हैज साइड्स और लिमिट्स सच एज सिटी, रोड और रिवर. राइट, ध्यान रखिए अक्रॉस को हम यूज़ करते हैं एक साइड से दूसरी जगह साइड जाने के लिए किसी भी चीज़ की, लेकिन उस साइड की एक लिमिट होती है, जैसे कि एक सिटी की एक लिमिट होती है, एक रोड की लिमिट होती है, या एक नदी की होती है. जैसे अगर मान लीजिए कि एक नदी है, तो इस नदी की ये बैंक्स हैं, ये नदी इससे आर पार नहीं है. सो दिस इज वन एंड एंड दिस इज अनदर एंड ऑफ इट. लाइक द रोड वॉज सो बिजी दैट वी फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अक्रॉस द रोड. रोड इतना बिजी था, इतना ट्रैफिक था उसके ऊपर, कि हमें रोड को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना राइट बहुत मुश्किल लगा. द रोड वॉज सो बिजी दैट वी फाउंड इट डिफिकल्ट टू get across the road, right? So this is we have across. चलिए और examples देखते हैं. We took a boat across the river. अब ये नदी है, आप यहाँ पे बोट में मान लीजिए बैठ गए, यहाँ पे आपने बोट में बैठे, तो आप बोट को कहाँ ले गए, अक्रॉस द रिवर, यानी कि बोट रिवर के इस साइड से उस साइड ले गए. वी टुक अ बोट अक्रॉस द रिवर, आप बोट को रिवर के इस एंड से उस एंड पर
Next is, we could see old some old friends across the room, so we got up and went to join them. मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हैं, मेबी किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप इधर हैं और आपने अपने कुछ और फ्रेंड्स यहाँ बैठे देखे, सो दैट इज अक्रॉस द रूम, कमरे के दूसरी तरफ. वी कुड सी, शी कुड सी सम ओल्ड फ्रेंड्स अक्रॉस द रूम, सो शी गॉट अप एंड वेंट टू जॉइन देम. तो वो वहाँ जाकर उनको ज्वाइन करने लगी, उसने उनको वहाँ जाकर ज्वाइन किया. Now, जैसा मैंने आपसे कहा था, that over can mean the same as across in case of one side to another. जैसे we walked over the shop, we walked over to the shop, that means we walked across to the shop. यानी कि जो दुकान है वो रोड के दूसरी तरफ है. मान लीजिए ये रोड है, आप यहाँ हैं और दुकान यहाँ है. So you walked over to the shop or we walk across to the shop. I am going across to say hello when I realized that I could not remember his name. या आप यहाँ पर across की जगह over भी लगा सकते हैं. I was going over to say hello when I realized that I could not remember his name. यानी कि शायद वो आदमी, आप एक तरफ बैठे हैं, मान लीजिए ये रूम है, आप यहाँ बैठे हैं और वो आदमी यहाँ बैठा है, आप उसको हेलो बोलने जा रहे थे. ओवर, यू नो, यू वर गोइंग ओवर और यू वर गोइंग अक्रॉस टू से हेलो. जब आप इधर से उसको बोलने जा रहे थे तो ओवर का मतलब है एक तरफ से दूसरी तरफ, इस एंड से उस एंड. लेकिन तभी आपको रियलाइज हुआ, या नाम, इसका नाम क्या था यार, नाम ही भूल गया. हेलो कैसे बोलोगे आप, जाके हेलो थोड़े बोलोगे, हेलो सोनम, हेलो सोनू, जो भी आप बोलना चाहते हैं नाम तो लेंगे ना. बट आई फॉरगॉट द नेम, आई रियलाइज दैट आई कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम. मुझे याद आया, ये सर रियलाइज, ओह गॉड, इसका तो मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा, तो मैं हेलो कैसे बोलूँगी, राइट. सो आई वॉज गोइंग अक्रॉस टू से हेलो व्हेन आई रियलाइज दैट आई कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम, और आई वॉज गोइंग ओवर टू से हेलो बट when I realized I could not remember his name. Then we have another preposition जो कि movement के लिए इस्तेमाल होता है, which is through. Through ही एक ऐसा हमारा preposition है जो एक जगह से दूसरी जगह movement के लिए इस्तेमाल होता है, but ये एक अलग तरह का है. जैसे इट इज़ यूज्ड बेसिकली फॉर द मूवमेंट ऑफ समथिंग और समवन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, बट थ्रू समथिंग दैट इज अ क्लोज्ड मीडियम. लाइक एक क्लोज कोई जगह है, उसके अंदर से जब आप किसी मूवमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हम थ्रू यूज़ करते हैं. अब वो जो मीडियम यानी कि जो माध्यम है जिससे वो पार हो रहा है, वो एक फिज़िकल हो सकता है या एक मेंटल एनक्लोजर हो सकता है. फिज़िकल क्या, अगर मैं कहूँ एक कमरा है आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मेंटल एनक्लोजर वो होता है जो जिसमें कोई दीवारें नहीं हैं, फिज़िकल बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अपने आप में एक बंद चीज़ है. जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मेरे घर के पास एक मार्केट है, मेरे घर के पास जो मार्केट है वो बहुत अच्छी है. अब मेरे घर के, या जो मार्केट है वो क्या होती है, राइट, वो ये होती है कि एक उसकी कोई दीवारें नहीं हैं, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक मार्केट को एक मेंटल इंक्लोजर लिया माना जाता है, क्योंकि कुछ दुकानें हैं जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ ख़रीदारी कर सकते हैं, वही एक मार्केट है. बेशक उसकी दीवार नहीं है, फिर भी हम उसे एक मार्केट को एक क्लोज यूनिट की तरह देखते हैं. लाइक एग्जाम्पल हेयर शोज, वी साइकिल्ड थ्रू अ नंबर ऑफ स्मॉल विलेजेस. हम बहुत सारे छोटे छोटे गाँव को पार करके आए. अब क्या था, यहाँ गांव थे, यहाँ गांव थे, अब आप इस तरह से गांव को क्रॉस करके आए. यू पास्ड थ्रू द कॉल थ्रू दीज विलेजेस. और एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली ये है,
कि यहाँ पर जो भी मीडियम है आपका वो नॉन स्टेशनरी है. इट डज नॉट मूव, राइट? इट इज स्टेशनरी, इट डजंट मूव. जो मीडियम है आपका, जिसको आप पार करके आ रहे हो, वो नहीं हिल रहा है, वो अपनी जगह पर है. आप हिल रहे हैं, यानी कि आपने साइकिलिंग शुरू की, यहाँ से यहाँ गांव में गए, इधर से गए इधर गए, इधर गांव में गए और आगे गए. तो गांव थोड़ी ना हिला आपका, गांव तो अपनी जगह पे ही स्टेबल है. वो नहीं हिला, लेकिन मूवमेंट किसकी हुई? आपकी हुई. सो इट इज़ यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ समथिंग और समवन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, बट थ्रू समथिंग that is a closed medium, physical or mental enclosure, and this medium does not move, it is stationary, right? So aapko is cheez ka dhyan rakhna padega. They walked slowly through the woods. Woods matlab forest, right? Wo bahut dheere dheere, slowly unhone forest ko walk through kiya. Walk through matlab jungle thodi na hilega. आप जा रहे हैं जंगल में, से आप जंगल को क्रॉस कर रहे हैं. सो दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स और द फॉरेस्ट. यू हैव टू गो थ्रू अ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक व्हेन यू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स. जब आप यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जाने के लिए वहाँ पर भी एयरपोर्ट पर आपका बहुत स्ट्रिक्ट चेक, सिक्योरिटी चेक होता है. So you have to go through a strict security check when you go to United States, right? So ये securities हैं. आप securities को like one, उसके बाद दूसरा check करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं. आप उस security को cross कर रहे हैं. Security जो checks हैं वो नहीं हिल रहे हैं, वो standards अपने वहीं पर रखे हैं उन्होंने. You are going through it, right? So across, over, ये भी हमें movements दिखाते हैं और through भी हमें movement दिखाता है. But the difference is, through is always passing some kind of medium. और वो medium जो है वो हिलता नहीं है, it is stationary. The next preposition that we use is against. अक्सर लोग कहते हैं against का मतलब खिलाफ होता है. हाँ, खिलाफ भी होता है, लेकिन कुछ और भी होता है. so, देखिए, it is used in the sense of touching or supporting. जब आप किसी चीज़ को touch करने के या support करने की बात करते हैं, तो उसके लिए हम अगेंस्ट यूज करते हैं. लाइक ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लड़का है वो, ये वॉल है हमारा, दीवार है, उसका सहारा लेके खड़ा है. सो यहाँ पे सपोर्ट लेके खड़ा है, उसे टच करके खड़ा है. सो दैट मीन्स ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा है. So the player threw the ball against the goalkeeper, right? Then we have is the ladder is against the roof. यहाँ पर देखिए, ये छत है, रूफ है हमारी, और लैडर इसको टच करते हुए रखी गई है, right? So the ladder is against the roof. लैडर छत के सपोर्ट के साथ या उसको टच करते हुए रखी गई है. प्रेपोजिशन अप इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ लो टू हाई. जब भी हम किसी लो चीज़ से किसी हाई चीज़ पे जाने की बात करते हैं, यानी कि लो से हाई पे, कम से हाइट पे, तो उसके लिए हम हमेशा अप को यूज़ करते हैं. ही क्लाइम्ड अप द हिल. से ही इज क्लाइंबिंग अप द हिल, राइट? ही क्लाइम्ड अप द हिल. सो अप हमेशा लो से हाई के सेंस में यूज होता है. द मॉन्की क्लाइम्ड अप द ट्री. देखिए, मॉन्की जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया. सो द मॉन्की मूव्ड क्लाइम्ड अप द ट्री.
Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first people to climb up Everest. So Edmund Hillary और Tenzing Norgay जो थे वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने Mount Everest पर चढ़े, which climbed up Mount Everest, right? So Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first people to climb up Mount Everest, right? Up is ऊपर, नीचे से ऊपर. आपके बाद down, नीचे, right? Okay, so आपने जब up किया था, आपने देखा था, it is in the sense of low to high. So obviously जब हम down की बात करेंगे, it will be from high to low. Oh, high to low. Up tha, low to, this was up. Low to high. And high to low is your down, right? She went down the mountain. Yay! Ab aap ice, jab yahan pe aap dekh rahe hain, ye skating kar rahi hain, skiing kar rahi hain. So skiing mein aap upar se niche aate hain, right? So she went down the mountain. Then we have is, after the pre-monsoon showers, the temperature has gone down. अभी-अभी, recently, pre-monsoon showers हुए हैं, और जिसकी वजह से temperature क्या हुआ? It went down. Temperature मान लीजिए आपका 40 था, आज आपका temperature 36 है, तो obviously 40 से 36 नीचे है, it is low, so it has gone down. They went down the river. यानी कि वो नदी में नीचे की तरफ गए. मान लीजिए नदी इस तरह से आ रही है, so ये आपका starting point है let's say river का, so वो river में नीचे की तरफ गए. They went down the river, right? अगर मान लीजिए वो ऊपर की तरफ आते, so they went up the river हो जाता, up, right? ऊपर की तरफ आ रहे हैं. So यहाँ पर क्या हुआ? They went down the river. वो river के नीचे की तरफ गए, नीचे की तरफ. The next preposition that we use for showing direction is towards. Towards is basically used to show the direction of the place where somebody is going, right? Somebody or up something भी बोल सकते हैं. Mainly towards और to में difference ये होता है कि to में आप जब आप to की बात करते हैं तो आप exact उस location उस जगह के बारे में बात करते हैं. लेकिन towards के केस में आप सिर्फ उस दिशा में उस direction में जाने की बात कर रहे हैं, right? आप कहीं और जाएंगे लेकिन उस direction में होते हुए जाएंगे. Like, will this metro go towards Rajiv Chowk? क्या ये metro Rajiv Chowk की तरफ जाएगी? यानी कि अगर मैं कहूँ to Rajiv Chowk, मतलब वो सिर्फ Rajiv Chowk ही जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी. आप लोगों ने ये instructions काफी सुने होंगे, या अगर आप metro में travel करते हैं तो आपने देखा होगा stations के ऊपर, वहाँ पे कभी ये नहीं लिखा to Samastipur Patli या to Huda City. टू नहीं लिखा होता, towards लिखा होता है. अगर टू लिखेंगे तो वो सीधा हुड्डा सिटी जाके ही रुकेगी, कहीं और नहीं रुकेगी. towards का मतलब है वो उस सब directions में जा रही है जहाँ पर वो पड़ता है, and it will stop at all those stations, all those locations. So it is towards. Will this metro go towards Rajiv Chowk? क्या ये metro Rajiv Chowk की तरफ जाएगी? हाँ जाएगी, yes it will, नहीं जाएगी, no it will not. She is going towards the church. वो चर्च की तरफ जा रही है. हो सकता है चर्च ना जाके वो यहाँ से इधर को मुड़ जाए, या हो सकता है उसको कहीं पीछे जाना हो, right? अगर मैं कहती हूँ she is going to church, इसका मतलब वो सीधी चर्च जा रही है. लेकिन मैंने कहा वो चर्च की तरफ जा रही है. हो सकता है चर्च के आगे पीछे कहीं और जा रही हो, बट उसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ चर्च है. केयरफुल, द कार इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ध्यान से, गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रही है. अब गाड़ी तुम्हारे पर नहीं आ रही है, बट मे बी मैं यहाँ खड़ी हूँ और गाड़ी जो है इसी डायरेक्शन में आ रही है,
सो केयरफुल द कार इज कमिंग टूवर्ड्स यू. हो सकता है गाड़ी इधर आके इधर मुड़ जाए या उधर चली जाए या यहाँ रुक जाए, क्वाइट पॉसिबल. लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा केयरफुल द कार इज कमिंग टूवर्ड्स यू, गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रही है, मतलब जहाँ मैं खड़ी हूँ उसी डायरेक्शन में वो आ रही है. टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज योर ऑफ. ऑफ ऑफ इज यूज बेसिकली टू शो द सेंस ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड्स. जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसके लिए हम ऑफ यूज करते हैं. हाई से लो नहीं, ऊपर से नीचे. गिर जाती है, पड़ जाती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं. लाइक द बेबी फेल ऑफ द बेड, जो बच्चा है वो बेड से नीचे गिर गया. सो द बेबी फेल ऑफ द बेड. राइट, द बेबी फेल ऑफ द बेड, बच्चा बिस्तर से नीचे गिर गया. ऑफ अप टू डाउन. The lamp fell off the table. अब जो टेबल लैम्प है वो टेबल के ऊपर से टेबल के नीचे गिर गया. So the lamp fell off the table. Which station will you get off at? तुम कौन से स्टेशन पर उतरोगे? Right? ऊपर से नीचे, ट्रेन के ऊपर से ट्रेन के नीचे. या अगर मानते हो आप बस में जा रहे हैं, so it can be, you know, like which station or which stand will you get off at? आप कौन से stand पे उतरोगे? तो उतरोगे क्या? बस से उतरोगे. So bus is up and you will get downwards from it. The next preposition is out of. Out of. Out of is, you can say it is an opposite of into, right? Into mein humne kiya tha, we talked of some movement from outside to inside, wo into tha. Lekin yahan par hai, it is used for inside to outside of something. Kisi cheez ke andar se bahar, right? Out of. ये है, मान लीजिए कोई चीज़ इसके अंदर को जा रहा है, सो इट इज़ इन टू. कोई अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, सो आउट ऑफ. तो ऑपोजिट हो गया ना उसका. सो द एग्जाम्पल सेज द पैरट फ्लू आउट ऑफ द केज, जो तोता है हमारा वो पिंजरे से बाहर उड़ गया. सो द पैरट फ्लू आउट ऑफ द केज. आपने गलती से पिंजरा खुला छोड़ दिया, यू डिड नॉट लॉक द केज. So the parrot flew out of the cage. After the earthquake, the people ran out of their houses. जब earthquake आया तो जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर भागे, घर के अंदर से घर के बाहर की तरफ भागे. सो आफ्टर द अर्थक्वेक द पीपल रैन आउट ऑफ देयर हाउसेस. प्लीज स्टॉप, आई हैव टू गेट आउट ऑफ द कार हियर ओनली. अरे प्लीज गाड़ी रोको, मुझे यहीं पर उतरना है. गेट आउट ऑफ यानी कि गाड़ी के अंदर से गाड़ी के बाहर. अब आप हम लोग सोचते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे गेट ऑफ बोला, तो मैं यहाँ पे गेट ऑफ क्यों नहीं यूज किया? प्लीज स्टॉप, आई हैव टू गेट ऑफ द कार हियर, वही बोल सकते हैं. तो गेट आउट ऑफ क्यों बोला मैंने? एक्चुअली जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया, ऑटो हो गया, प्लेन हो गया, उन सब के लिए हम गेट ऑफ यूज करते हैं. गेट आउट हम यूज करते हैं सिर्फ कार्स और टैक्सीज के लिए. राइट,
कार्स के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि आप कार के अंदर से निकल के बाहर जा रहे हैं, माना आप ट्रेन से भी निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कार्स और हमारा टैक्सेस के लिए गेट आउट ऑफ यूज़ करते हैं। आपको अगर याद होगा जब हमने प्रपोजिशन इन किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम जब भी किसी कार के अंदर जाते हैं या कार के अंदर बैठते हैं या कैब बोर्ड करते हैं तो उसके लिए इन यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं लाइक ट्रेन, प्लेन, बस, ऑटो, उसके लिए हम हमेशा ऑन यूज़ करते हैं, गेट ऑन। उसी तरह से यहाँ पर हम गेट आउट ऑफ यूज़ करते हैं। सो आफ्टर डूइंग दीज प्रपोजिशंस चलिए अब हम अपना एक रिविजन सेशन करते हैं विद सम एक्सरसाइजेस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रपोजिशंस और नो प्रपोजिशंस। ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहाँ पर आपके पास कोई प्रपोजिशन यूज ना हो रहा हो। सो विल यू बी होम लेटर, विल यू बी होम, विल यू बी At home later, क्या तुम बाद में घर पर होगे, होना। So will you be at home later? Which street did you park your car? Car. Which street did you park your car at? Right. I will see you Friday. I will see you Friday. I will see you on Friday. याद कीजिए Friday के साथ it is a weekday हमेशा on आता है। I will see you May. May क्या है, एक महीने का नाम है, so I will see you in May. I met her the party last week. कहाँ मिले थे, party में। I met her in the party last week. Then we have is, can you come, can you come 7 a.m. 7 p.m. can you come before 7 a.m. right, क्या तुम 7 बजे से पहले आ सकते हो। My brother doesn't live dash the same neighborhood as me. मेरा भाई उसी नेबरहुड में नहीं रहता है, doesn't live, right, जहाँ मैं रहती हूँ। So in the same neighborhood as me. I haven't seen my cousin dash 3 months. मैंने अपने कज़न को 3 महीने से नहीं देखा है। I haven't seen my cousin for 3 months. I just heard the song dash the radio. मैंने ये जो गाना है वो रेडियो पर सुना है, पर मीन्स आई हैड, आई जस्ट हर्ड द सॉन्ग ऑन द रेडियो, ऑन। अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ ऑन क्यों आया है तो इसका मतलब ये है आपको पुराने वीडियोस को दोबारा देखकर अपने आप को रिफ्रेश करना पड़ेगा। कॉल मी 7 मिनट्स, कॉल मी इन 7 मिनट्स हो सकता है, यानी 7 मिनट में कॉल करो। कॉल मी आफ्टर 7 मिनट्स भी हो सकता है, ये बात कॉल करो। हैव यू बीन ग्रीस, हैव यू बीन, हैव यू गॉन टू ग्रीस, क्या तुम कभी ग्रीस गए हो, राइट। वी वर क्यूबा लास्ट ईयर, हम क्यूबा में थे, वी वर इन क्यूबा। इन क्यों आया, क्योंकि क्यूबा एक कंट्री का नाम है और कंट्रीज के नाम के साथ हम हमेशा इन लगाते हैं। व्हेन आई एम वर्क आई डोंट हैव टाइम टू सर्व द नेट, जब मैं काम पर होती हूँ मुझे नेट ढूंढने का, सर्व करने का टाइम नहीं मिलता। व्हेन आई एम एट वर्क, राइट, सो व्हेन आई एम एट वर्क आई डोंट हैव टाइम टू सर्व द। He had an accident and was dashed the hospital for a week. तो उसका accident हो गया, वो hospital में था, so he was in the hospital. Hospital में था। I have to buy some stamps the post office. कहाँ से stamp मिलते हैं, post office.
So Sam's खरीदने कहाँ जाना पड़ेगा? Most of us. So I have to go buy some stamps from the post office. I have to go, it should be to here. I have to go to buy some stamps from the post office. I have to go post office to buy some stamps, right? Same sentence hai, alag tarike se likha gaya hai. So I have to go to the post office to buy some stamps. Kyunki yahan pe go ke baad aapki ek jagah hai, isliye humne yahan par. She is the most beautiful girl dash the world. Woh duniya mein ki sabse khoobsurat ladki hai. So she is the most beautiful girl in the world. Your shoes are. Where are your shoes? Your shoes? You are standing right next to them. Aap bilkul unke paas khade ho, bilkul unke saath khade ho, or you are standing by them, or you are standing beside them, right? Saath mein. So aapke shoes, are aap to unke saath mein hi khade ho, aap unke paas mein khade ho. So it is next. So these were our some other prepositions of moment. वो prepositions जो आपको किसी भी तरह का moment दिखाते हैं, किसी तरह का direction दिखाते हैं, वो हम देखेंगे. अभी तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि prepositions क्या हैं और कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं. So इस video में आपने देखा वो prepositions जो आपको किसी तरह का moment दिखाने का काम करते हैं. So they are called the prepositions of moment and directions. I hope आपको सब आपके prepositions clear हो गए होंगे. If you have any queries, any issues, any problems, please get back to us on our website. Thank you.